तो वहीं रतलाम के आलोट में झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जहां दो झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक को सील भी कर दिया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले भर में झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते ग्राम पंथ पिपलौदा में चल रहे झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक पर छापा मारकर दो झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। झोला छाप डॉक्टर ओम प्रकाश पांचाल समेत डॉक्टर रजत हल्दर बंगाली पर ताल थाने में FIR के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी RK पाल द्वारा आवेदन दिया गया। वहीं एक का क्लिनिक सील कर दिया गया। इसी प्रकार तालनगर में राय क्लिनिक को अवैध तरीके से संचालित करने पर सील किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंथ पिपलौदा सूरज मेडिकल का निरीक्षण भी किया गया, पर वहां पर किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई। बाकी सारी जगहों पे वो बंद करके भाग गए थे, हमको मिल नहीं पाए। और जहाँ पे दुकानें संचालित थी, जहाँ पे हमको खबर मिली, वहाँ सभी जगह पे कार्यवाही करने की कोशिश। हाँ, अभी FIR की कार्यवाही चल रही है। आपका नाम सर? भारत नाम विश्व। जैसा कि हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश निकाला गया है कि जो भी बंगाली डॉक्टर या झोला छाप चिकित्सक हैं, जो अनाधिकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश मिल चुका है। पूरे जिले में कार्रवाई हो रही है। उसी तारतम्य में आज ताल तहसील में भी हमने कार्रवाई की है, जिसमें हमारे तहसीलदार महोदय ताल, उनके दो पटवारी जी, हमारे चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग के दो कॉन्स्टेबल साथ में पूरी टीम गठित करके सबसे पहले बंद पिपलौदा गए। वहाँ एक बंगाली चिकित्सक, जो इसका नाम रजत हल्दार, पिता जीवन निवासी पश्चिम बंगाल का है, उनके यहाँ इलाज करते हुए पाया गया। बोतल लगाते हुए उनके समस्त जो इलाज की सामग्री थी, बोतल, इंजेक्शन और दवाइयाँ, वो जब्त की और जब्त करके पुलिस थाना ताल को दी। और एक और झोला छाप चिकित्सक था ओम प्रकाश, पिता शिवलाल पांचाल, वो उन्होंने अंदर से दरवाजे नहीं खोले, लेकिन खिड़की से जब देखा गया तो मामी चिकित्सा सामग्री वहाँ मौजूद थी, उसका वहाँ वीडियो बनाया गया। और ताल तहसीलदार के आदेश पर उनका क्लिनिक को सील किया गया, क्योंकि एक दरवाज़ा उनका पीछे भी था तो उनके निकलने के लिए था, लेकिन उनको सील किया। और एक और मेडिकल पर गए थे, लेकिन उसको कोई ऐसा सबूत नहीं मिले कि वो चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको हिदायत दे के उनको वहीं छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में उक्त कार्यवाही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आलोट।